Hello and welcome to the Arihant's weekly market update. So, पिछले हफ्ते इंटरिम बजट 2024 में किसी नेगेटिव सरप्राइज के ना होने पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही 2.5% से ऊपर जाकर बंद हुए। वहीं निफ्टी अपने प्रीवियस 15 जनवरी के हाई को सरप्राइज किया और न्यू इंट्राडे रिकॉर्ड हाई 22,127 का हिट किया। हालांकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने ऊपरी स्तर से बैंक निफ्टी में गिरावट आते हुए देखी और बैंक निफ्टी करीबन 0.5% नीचे जाकर बंद हुआ। वहीं ग्लोबली मिडिल ईस्ट क्राइसिस बढ़ता हुआ दिखा, जहां अमेरिका ने ईरान और सीरिया के 85 प्लेसेस पर एयर स्ट्राइक की। वहीं हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट में फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन के बाद काफी सारी निफ्टी 50 कंपनीज के रिजल्ट आते हुए दिखे। टाटा मोटर्स ने शानदार नतीजे दिए, जहां उनके रेवेन्यू इन लाइन विद एस्टिमेट दिखे और वहीं उनके मार्जिन एक्सपेक्टेशन को सरपास करते हुए दिखे। LIC हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे, जहाँ उनके प्रॉफिट जो है वो डबल होते हुए दिखे। वहीं SBI के रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे, जहां इनका नेट प्रॉफिट 35% YOY डिक्लाइन होते हुए दिखे। वहीं इनके नेट इंटरेस्ट इनकम 2% YOY इंक्रीज होता हुआ दिखा। वहीं इंडियन गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल इंक्रीज किया फ्रॉम 1700 पर टन टू 3200 पर टन विद इफेक्ट फ्रॉम फेब्रुवरी 3। इसके चलते रिलायंस, ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों पर अगले हफ्ते हमारी नजर होगी। वही इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को अगर देखें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने 70 करोड़ का नेट बाय किया, वहीं DIIs ने अराउंड 2500 करोड़ का नेट बाइंग किया। अगले हफ्ते अगर ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स देखें तो कनाडा और US का इन्फ्लेशन नंबर लाइंड अप है, वही रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड नंबर्स भी लाइंड अप होंगे, जिन पर हमारी नजर होगी। सो अगला हफ्ता मार्केट के लिए क्रूशियल होगा। काफी सारी ढेर सारी न्यूज, अर्निंग्स जो आ चुकी है उन पर रिएक्शन और आने वाली अर्निंग्स पर रिएक्शन। सो ऐसे में कैसे प्लेस्ड है हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स, लेट्स चेक इट आउट। बट टिल टाइम इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल सेटअप ऑफ द निफ्टी। तो निफ्टी को जब हम वीकली चार्ट सेटअप पर देखते हैं तो ये अपने 10 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है विद बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन। जब हम इसे डेली चार्ट पर लुक आफ्टर करते हैं तो यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है, जो कि प्रॉफिट बुकिंग बताता है। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर निफ्टी को लुक आफ्टर करें तो इसका PCR फॉर द 8th फरवरी और एक्सपायरी दिखता है 0.86 पर और मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 21,900 पर। OI कॉन्सेंट्रेशन कॉल साइड और पुट साइड अगर लुक आफ्टर करें तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक के लिए ब्रॉड रेंज दिखता है 21,545 का ब्रॉड सपोर्ट, वहीं ऊपर में 22,251 ब्रॉड रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। वहीं इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो 21,800 इमीडिएट सपोर्ट होगा, वहीं ऊपर में रेजिस्टेंस 21,903 होगा। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इंटरमीडिएटरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,903 के सरपास होने पर 21,982, 22,043 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। इन केस अगर हम 22,043 के लेवल को सरपास कर पाते हैं तो हम 22,251 के लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वही इमीडिएट सपोर्ट 21,800 के ब्रेकडाउन होने पर 21,728, 21,649, 21,545 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल एंड डेरिवेटिव सेटअप ऑफ द बैंक निफ्टी। तो जब बैंक निफ्टी को हम लुक आफ्टर करते हैं तो ऑन अ वीकली चार्ट ये अपने 10 और 20 वेमा के ऊपर ट्रेल होता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पर ये रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ है और 0.5% नीचे जाकर क्लोजिंग दिया इसने अपने 10 EMA पर। बैंक निफ्टी SBI के रिजल्ट्स के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है, वी नीड टू चेक इट आउट। ऑल्दो SBI का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्लाइन एक्सेप्शनल आइटम के कारण आते हुए दिखा है, जहां SBI ने 5400 करोड़ का पेंशन एडजस्टमेंट एक्सपेंस दिस ईयर बुक किया है। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसका PCR दिखता है अराउंड 0.7 पर और मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 46,000 पर। हाईएस्ट OI कॉन्सेंट्रेशन को अगर रीड करें तो ब्रॉड रेंज फॉर द नेक्स्ट वीक लगता है 45,320, वेयर इज अपर साइड 46,670 का ब्रॉड रेजिस्टेंस दिखता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 45,802 का दिखता है, वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 46,054 का आता हुआ दिखता है।
For the purpose of trading intermediary support and resistance, अगर देखें तो 45,802 के निकलने पर 45,610, 45,320 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे, वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 46,054 के सरपास होने पर 46,368, 46,670 ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। अगले हफ्ते भी काफी सारी निफ्टी 50 कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, जहां भारतीय एयरटेल 5th फैब को, 6th फैब ब्रिटानिया इंडस्ट्री अपने रिजल्ट्स देते हुए दिखेंगी, 7th फैब को पावर ग्रिड का रिजल्ट आता हुआ दिखेगा, नेस्ले इंडिया टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी 7th फैब को अपने रिजल्ट्स देते हुए दिखेंगे, वहीं 8th फरवरी को ग्रैसम इंडस्ट्रीज और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे और 10th फरवरी को डिविज लैब का नंबर आते हुए दिखेंगे। प्राइमरी मार्केट में भी हलचल होते हुए दिखेगी, जहां अगले हफ्ते दो न्यू मेन बोर्ड आईपीओ आते हुए दिखेंगे। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल का आईपीओ खुलेगा ऑन 5th ऑफ फेब और क्लोज होते हुए दिखेगा 7th ऑफ फरवरी को। इशू का प्राइस बैंड है 147 से 155 का, लॉट साइज है 96 शेयर का, जबकि इशू साइज है 920 करोड़ का। अनादर इशू जो ओपन होने जा रहा है वो है राशि पेरिफेरल्स का, जो कि ओपन होगा 7th ऑफ फेब को और क्लोज होता हुआ दिखेगा 9th ऑफ फरवरी को। इशू का प्राइस है 295 से 311 का, जबकि इशू साइज दिखेगा 600 करोड़ का। वही 6th ऑफ फरवरी को BLS ई सर्विसेज आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए भी दिखेगी। Now it's time to talk about the stock recommendation for the next week. So, अगले हफ्ते के लिए oil and gas, IT और metal companies पर हमारी नजर होगी, जहां IT से persistent system पर होगा हमारा stock recommendation for the price target of 8700, 8750 के लिए, जहां आप stop loss maintain कर सकते हैं 8399 का। सो स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने सारे वीकली और डेली चार्ट पर अपने सारे एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है एंड कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। डेरिवेटिव सेटअप पर इनकी 8300, 8400 और 8500 की कॉल स्ट्राइक प्राइजेस पर ओपन इंटरेस्ट शेड होता हुआ दिखा है। डेरिवेटिव सेटअप पर इनकी 8300, 8400 और 8500 की स्ट्राइक प्राइसेस पर कॉल का ओआई शेड होता हुआ दिखा है। सो अकॉर्डिंगली स्टॉक कैन मूव अप टू द 8750, 8800 के लेवल के लिए फॉर द नेक्स्ट वीक। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।